Hello everyone, welcome to my channel Dr. Gunjan's Classes. So my side Dr. Gunjan Goyal, and today we are going to do the part 2 of our number chapter number 1, that is chemical reactions and equations. So jaise ki aap jante hain, hum iska part 1 humne kiya hai, aur us part mein humne kya padha tha ki chemical reaction hoti kya hai basically, theek hai? Usme humne reactants aur products ke bare mein thoda sa jana tha, ठीक है, कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, और हमने केमिकल रिएक्शन के इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा कि व्हाट आर द 5 इंडिकेटर्स व्हिच डिफाइंस की केमिकल रिएक्शंस हमारे आसपास हो रही है. सो लेट्स सी कि इस पार्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. सो कंटेंट्स टू स्टडी अंडर दिस पार्ट इज कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, देन वर्ड इक्वेशन क्या होती है. अब उसके बाद हमने केमिकल इक्वेशन वर्ड इक्वेशन जब पढ़ लिया तो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं जो कि आपकी लॉन्ग टर्म काम आएगी कि केमिकल इक्वेशन को राइट डाउन कैसे किया जाता है. इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, ठीक है, बिकॉज इट मेक्स अवर वर्क वेरी इजियर, कंसाइज एंड इजियर, प्रिसाइज, कंसाइज एंड इजियर, राइट. So we don't have to write full paragraphs, we just have to write a chemical equation that describes everything, okay, but that has to be correct and it has to be written in a proper way. So we'll see ki hum kaise karte hain isko, right. Then is what is a skeletal equation, skeletal equation kya hai and balanced equation kya hai, aur skeletal or balanced equation mein difference kya hai, what is the difference between them. So let's see. तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन क्या है, ठीक है. तो केमिकल इक्वेशन का मतलब हुआ कि आप, अब जैसे हम बात कर रहे थे कि जैसे आप इस एग्जांपल में देखिए, जस्ट सी दिस रिएक्शन कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं. तो इसमें हमने पिछली पार्ट में क्या पढ़ा था कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट्स हो गए और इनमें प्लस साइन आ गया, ठीक है. जो फॉर्मेशन हुई दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एक प्रोडक्ट हुई, ठीक है. और ये एरो हेड क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है. तो अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या है. ये तो हो गई केमिकल रिएक्शन. तो इस केमिकल रिएक्शन को जब आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने दी, हम पैराग्राफ में लिख कर नहीं बता रहे कि मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग राइज टू द मैग्नीशियम ऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट. सो दिस थिंग वी आर गोइंग टू वी यूज टू राइट इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है. बट केमिकल इक्वेशन में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस फॉर्म, ठीक है. तो इसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन. पर अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, sorry, there has been some issue. Just wait. मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड में बन रहे हैं, तो हम इसको पूरा का पूरा लिख रहे हैं, बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल थिंग वी विल राइट इट सिंबल्स. इसको जब हम सिंबल्स में लिखेंगे तो वो और भी लिखना आसान हो जाएगा. जैसे कि मैग्नीशियम को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एम कैपिटल एम एंड स्मॉल जी, ऑक्सीजन को ओ टू एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड को एम जी ओ. सो आप देखिए, अगर आपने इस तरह से लिखेंगे इस चीज को तो और भी लिखना आसान हो गया. दिस क्लियरली डिफाइंस कि ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है हमारा, ठीक है. लेट्स सी अनदर एग्जांपल. जैसे कि आप इसमें देखिए, ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये इकट्ठे कंबाइन करके 2H2O बन गए. तो ये जो थे H2, हमें पता लग रहा है कि ये हाइड्रोजन है, इसको पूरा लिखने की बजाय हमने इसको सिंबल दे दिया. देन ऑक्सीजन, हमें पता है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम O2 से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये जब दोनों कंबाइन करें तो ये क्या बन गए, 2H2O, ठीक है. तो इसको बैलेंस कर रखा है, ये हम फर्दर सीखेंगे कि ये 2 कहाँ से आया. सो बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बन गए हमारे, H2O. H2O means water. तो हमने इसको symbolic representation दे दी, हमने इसके symbol से इसको लिख कर बताया, तो ये लिखना और भी आसान हो गया. So okay, so here on the left hand side these are showing reactants and on the right hand side it is showing product. Okay, so this is a chemical reaction
and chemical equation is written in this form. Okay, then what is word equation? Word equation means change of reactants to products through the arrow placed between them. ठीक है, reactants से products का form होना representing through an arrow. ठीक है, जो left hand side पे हमारे हैं ये reactants हैं, right hand side पे ये हमारे products हैं, और ये arrowhead हमारा direction of the reaction represent कर रहा है, right? अब हम equation को किस तरह से केमिकल इक्वेशन को किस तरह से, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि केमिकल इक्वेशन को बहुत कंसाइज और यूजफुल फॉर्म में लिखने के लिए हमें वर्ड्स में लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, हम इसको सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया. हम इसको कैसे लिख सकते हैं, Mg plus MO2 is going to give MgO. So magnesium oxygen, magnesium oxide बना रहे हैं. तो हम इसको इस चीज को इस तरह से भी represent कर सकते हैं. तो हम इसको actual में इसी तरह से represent करेंगे. ठीक है? So you have to learn this way. ठीक है? तो जैसे कि आप देखिए nitrogen और hydrogen combine करके ammonia बना रहे हैं. So this is an easy way. इससे आप पूरा का पूरा बता सकते हैं कि क्या हो रहा है, कि ये रिएक्टेंट्स हैं, दो रिएक्टेंट्स कौन से, एक नाइट्रोजन है एक हाइड्रोजन है, ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं ब्लू वाला, कौन सा प्रोडक्ट है, अमोनिया बन गया, इसको बोलते हैं अमोनिया. ठीक है, और ये एरो हेड डिस्क्राइब कर रहा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड, जिस साइड पे हो रही है दैट डिफाइंस कि ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है. ओके, तो अब हम बात करें कि स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है. जैसे मैंने आपको पूछा था स्केलेटल इक्वेशन, हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस नेम, व्हाट इज अ स्केलेटल इक्वेशन. तो स्केलेटल इक्वेशन वो इक्वेशन है, अगर आप इस पिक्चर को देखिए, व्हाट कैन यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पिक्चर, दिस थिंग इज नॉट बैलेंस्ड, बैलेंस नहीं है ये, एक साइड हैवी है एक साइड कम वेट है, राइट right? तो ये हेवी वाला नीचे की तरफ है, ये ऊपर उठ गया, लाइट वेट ऊपर उठ गया, दैट मींस कि ये रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड. सो जो रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं होती उसको बोला जाता है स्केलेटल इक्वेशन. तो बैलेंस होने का क्या मतलब है, बैलेंस ना होने का क्या मतलब है, हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, कि जो मास है एटॉमिक मास है वो रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का इट शुड बी सेम ऑन बोथ द साइड्स, राइट, बिकॉज़ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ना ही हम उसको बना सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा. सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इन दिस Mg plus O2, ये MgO बना दिया, इतना तो हमें समझ में आ गया, बट दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड, हाउ कैन यू से दैट, बिकॉज अगर आप देखिए Mg मॉलिक्यूल है जो यहाँ पे वन एटम है इसका, और यहाँ पे Mg का प्रोडक्ट में कितने एटम है, वन, बट अगर आप रिएक्टेंट्स पे ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, दो एटम्स, वेयर इज यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, वन एटम. सो दिस रिएक्शन यू कैन सी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड पे बैलेंस नहीं है, सो दिस इज अ अनबैलेंस्ड इक्वेशन. ठीक है, सो दैट मीन्स इसका ये स्केलेटल इक्वेशन. सिमिलरली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये H2O फॉर्म करे वाटर, ये वन वन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हाइड्रोजन के टू मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का वन, यानी कि यहाँ वन है यहाँ टू है, सो इट इज ऑल्सो नॉट बैलेंस्ड इक्वेशन, दिस इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन, एंड दिस अनबैलेंस्ड इक्वेशन इज कॉल्ड एज skeletal equation. So always remember the unbalanced equation is called as skeletal equation. You can remember this picture ki unbalanced hai. Jo bhi unbalanced equation hai wo skeletal equation. So next is balanced equation. So balanced equation kya hai? Ki jo law of conservation of mass ke law ko follow kar raha hai, that is balanced equation. यानी कि reactants की side पे और products की side पे जो mass है वो similar होना चाहिए. ठीक है, atoms, so it occurs when the number of different atoms of elements on the reactant side is equal to the product side. ये कब होगा, mass कब equal होगा, जब atoms का number reactant side पे और product side पे equal रहेगा, यानी कि
बराबर, ये आप देखिए इसको, ये बराबर है, ठीक है, इट्स इक्वल बैलेंस्ड है। यहाँ पे देखिए अगर दो मॉलिक्यूल्स ये ब्लैक वाले हैं रिएक्टेंट साइड पे, तो प्रोडक्ट साइड पे भी ये दो मॉलिक्यूल्स ब्लैक वाले हैं, दो रेड वाले हैं रिएक्टेंट साइड पे, तो दो ही प्रोडक्ट साइड पे है, सो दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, ठीक है। तो आपने देखा स्केलेटल रिएक्शन जो अनबैलेंस्ड है और बैलेंस्ड इक्वेशन जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है, राइट। सो दिस इज अबाउट दिस वीडियो पार्ट टू। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि बैलेंस कैसे किया जाता है केमिकल इक्वेशंस को, इक्वेशंस को हम बैलेंस किस तरह से करेंगे, उसके कुछ स्टेप्स हैं उनको हम लोग देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग करेंगे ताकि आप समझ सकें, एंड देन वील ऑल्सो राइट डाउन केमिकल इक्वेशंस में हम उनकी फिजिकल स्टेट्स को भी मेंशन करेंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल बाय प्रेसिंग द बेल आइकॉन, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स विद दिस पार्ट देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन मेल मी एट माई मेल आई डी, हैव गिवन इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो thank you so much, bye bye, take care, see you soon.